जिस दोस्त के पास से मैंने ये लिया था ना, उसने कहा था अदनान भाई ये अंडा दे रही है, इसने एक अंडा हमें दिया है। तो परसों चौथ इसने एक अंडा दिया था जिस दोस्त के पास से मैंने लिया उसको, फिर ये कल हमारे पास आई है तो इन्होंने कल एक अंडा हमें माशाल्लाह पहला अंडा दे दिया। अब देखो शायद ये नहीं, तार टूट जाएगा ये, तो तार कह रहा मुझे दे दो, मैंने कहा टूट जाएगा ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त हमारे इस वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है, तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। कर दे, वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह घास वगैरह इनको हमने डाल दी है, ठीक है। ये रात भी डाला था, रात वाले इतना घास डाला था, तकरीबन कोई 6-7 किलो। सारा खरगोश वगैरह ने, चूजा वगैरह ने सारा खा लिया। तो अब दोबारा मैंने इनको जो बचा हुआ घास था मैं लेके आया था ज़्यादा, एक गट्टू भर के, तो बक्के मैंने इनको अब डाल दिया। ये खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं। और सिल्की हैंड्स वगैरह बाहर घूम रहे थे, ये भी यानी कि जब घास वगैरह डाला है तो यानी कि ये यहाँ पे आके खा रहे हैं। और जो खरगोश वगैरह के लिए मैं घर से गाजर कटवा के लेके आया था, गाजर होगी तो वो चीज़ें वगैरह यानी कि गोभी होगी, गाजर होगी, ये डाल दिया। इन्होंने खा खू के ना रज के पेट इनका फुल हो गया, तो अब ये जाके एक वहाँ पे देखें लेटा हुआ है। और 3-4 वाले अंदर हैं, और जो इन्होंने बच्चे वगैरह दिए हैं अभी बच्चे ऐसा ऐसा बाहर आना शुरू हो गए हैं, तो अभी फुल तरह से बाहर नहीं है, 1-2-4 दिन के अंदर माशाल्लाह ये भी हमारे पास बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे पड़ा हुआ था? अच्छा, ये कह रहे एक बच्चे यहाँ से बाहर आया तो यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो जब मैं अंदर आया हूँ तो वो अंदर भाग गया, फिर आपको देख के भाग गया। नहीं, इसके हाँ था। इसके अंदर था। हाँ था। अच्छा अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहे यहाँ था, इसके अंदर भी घूमता रहा है, फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया, आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। झूठ बोल रहे है, ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ है, ता झूठ बोल रहे, झूठ तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। देखिए जी कैसा इनके फ्रॉडी बंदा है, अभी से बचपन से ही झूठ बोलने इसने स्टार्ट कर दिया। कह रहे इसके अंदर आया था, मैंने इसको पकड़ लिया, दरवाजा बंद कर दिया, फिर यानी कि उसको मैंने खोल के बाहर निकाल दिया ऐसे, हालांकि वो इसके अंदर जाते भी नहीं है। ये ज्यादा ज्यादा यहाँ तक आते हैं। यहाँ क्या कह रहे हो, कहाँ कह रहे, मैं बाहर लेके आया हूँ उसको, मैं दिखाता रहा हूँ, झूठ बोल रहे है। दूसरो खुशी की बात ये है कि हमारे जो ये वाला ब्लैक वाला जोड़ा है ना, ब्लैकबेरी ने भी अंडे देना शुरू कर दिए हैं। इसने माशाल्लाह में पता नहीं चला कि 3 अंडे इसने दिए हुए थे, अचानक जब मैं इसको यानी कि भूस को सीधा कर रहा था बीच में देखे तो अंडे थे। कल मैंने इसको देखा यहाँ पे बैठी हुई थी मैं, फिर थोड़ी देर के बाद जो बाद में आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आया, इसने अंडे दे के ऐसे भूसा वगैरह ऊपर डाल देती है ये माशाल्लाह। यानी कि चलाक यानी कि ब्लैकबेरी वाला जोड़ा है ये। इस वाली डग्स को भी हमारी को तकरीबन आज कोई 6-7 दिन हो गए बैठी हुई अंडों पे। अभी इसका यानी कि अभी जब 22-23 दिन यानी कि मुकम्मल होंगे तो बच्चे वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। जब भी बाहर आते हैं कैमरा ऑन करते ये भी गड़ 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 शुरू कर देता है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत परिंदा है, देखें कैसे यानी कि इसने पर वगैरह फैलाए हुए हैं, कैसा इसका माशाल्लाह निज़ाम है, ठीक है। ये जो हम तो यहाँ पे फिर रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं कहता, जो नया बंदा यहाँ पे आता है उसके ऊपर ऐसे ही पर फैला के आता है, अगले बंदे पे ऐसे प्रेशर डाल देता है, डर जाता है। लेकिन यहाँ ये आजकल ताहा से डर रहा है। ताहा से क्यों डर रहा है कि ताहा इसको यानी कि कोई रोटी शोटी देता है, दाना पानी डालता है, तो इसका यानी कि कदर करता है, वरना डरने शरने वाला सीन नहीं है। ये बड़े बड़े बंदे को ऐसे यानी कि डरा देता है, ये तो फिर भी बच्चा है। हाँ अब कर, अब कर उसे डरा का, फिर उसे ये देखें उसको कैसे डरा रहा है, लेकिन वो भी आवाज़ें निकालता है बड़ गड़ करके।
चल बस कर ज़्यादा ना डरा। दोस्तों माशाल्लाह जब से हमने ये चूज़े वगैरह लिए हैं ना, इसमें से अक्सर दोस्तों के व्हाट्सअप पे इधर उधर फ़ोन वगैरह ये वो अक्सर देखते हैं ना वीडियो वगैरह कि एक्सपायर हो गया एक्सपायर हो गया। हमने जब से लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा एक भी चूज़ अब तक एक्सपायर नहीं हुआ इसमें से। और जैसे ही लिए माशाल्लाह बड़े भी हो रहे हैं, आज इनको 5-4 दिन हो चुके हैं, पहले की नस्बत 19-20 इनमें जान वगैरह आई हुई है। रात को हम यहीं पे अंदर ही केज इसमें केज वगैरह बनाए हुए हैं, यहाँ पे कुछ को बंद कर देते हैं, कुछ को टोकरी में बंद करके ऊपर कपड़ा वगैरह दे देते हैं। ये माशाल्लाह हमारे पास फिट हैं, लेकिन ये है ना अगर आप लेते हैं दूसरे फार्मी वाले थोड़ा एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे एक हमारे पास है, इसमें इसने ताह ने लिया था फ्री में, उसने दिया था, दो दिए थे, एक को कौवा उठा के ले गए, एक ही हमारे पास बचा हुआ है। और जो बाकी दूसरे हैं ना मिस्री वाले हो गए और गोल्डन वाले, ये माशाल्लाह बच जाते हैं। बिल्ली नहीं, कौवा उठा के ले गया था। देखें कैसे इसने स्टोरी बना ली है, कह रहा है बिल्ली आई है ऊपर से इसको उठा के यहाँ से उठा के ले गया, लेंगे इसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ ये कह रहा है यहाँ पे आएगी ना उसको मारूंगा मैं, हालांकि भाई जान यहाँ पे हमारे पास कोई बिल्ली नहीं है, कब उठा के ले गया, ये ऐसे हमारे पास फ्रॉड कर रहा है। ताह फ्रॉड कर रहा था, पिछो का बता किस तरह पकड़ लिया। अच्छा ऊपर से आई थी बिल्ली, फिर यूं कोला फिर बिल्ली कहाँ गई? चूजा लेकर भाग गए। दोस्त झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, देखे हंस रहे, झूठ बोल रही है। कौवा यहाँ कौवा आया है, लाल वाला बच्चा था, कौवा उठा के ले गया, इसको पता भी नहीं है किस टाइम उठा के ले गए किस टाइम नहीं, है ऐसे यानी कि अपनी तरफ से फिल्में बना रहा है। अच्छा दोस्तों मैं ये बता रहा था, अगर आपने किसी ने रखने हो तो गोल्डन मिस्री लें, भले आपने चार की जगह दो ले लें वो दो पल जाएंगे, अगर आप यही वाला लेते हैं ना इसके वाला फार्मी वाला नहीं पलता। तो आज मिस्त्री हमारे पास आया नहीं है, तो कल वो मज़दूर आया था तो खाली यानी कि इसने मिट्टी वगैरह सीधी की है, आज वो आया नहीं है। ताह किस चीज़ के पिंजरे हैं ये? किसके? तोतों के। कहाँ तोते कहाँ रखेंगे इसमें? तीन तोते रखेंगे छोटे छोटे, और ऑस्ट्रेलियन तोते? ऑस्ट्रेलियन भी रखने हैं? कितने? पाँच ऑस्ट्रेलियन। दोस्त हमारे यहाँ पे इरादा है कि जो से बड़े वाला केज है इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन तोते रखें, और ये जो ये वाला है इसके अंदर येलो, और दूसरे वाला जोड़ा रखें ग्रीन वाला, और जो ये वाला है इसके अंदर यानी कि हम बजरी वगैरह रखें, ऐसे यानी कि हमारा सीन वगैरह है। लेकिन हम फिलहाल तो अभी सीन ही है हमारा रखने का, तो अभी 2-4 दिन के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह इसमें रखेंगे सारे मुख्तलिफ किस्म के तोते सारे इसमें रखेंगे। दोस्तों आपने किसी जगह भी ऐसा कोई सीन नहीं देखा होगा जहाँ पे हर परिंदा यानी कि इकट्ठे हैं, डॉग्स भी इकट्ठे हैं, छोटे चूजे भी इकट्ठे हैं, और बड़े वाले डग्स भी इकट्ठे हैं, और ये जो है पीरू वगैरह ये देखें कैसे इसने पर फैलाए हुए हैं, ये भी इकट्ठे हैं, और खरगोश भी इकट्ठे हैं। अभी हमारे छोटे वाले चूजे भी छोटे हैं, वरना उनको भी हम इन्हीं के साथ छोड़ देते ना, क्योंकि हम रात को सारों के एक ही जगह इनके बंद करते हैं, आपस में सारे यार दोस्त वगैरह बने हुए हैं, तो ये यानी कि ना किसी एक दूसरे को कोई किसी को नहीं कुछ कहता, सारे इकट्ठे फिर रहे होते हैं इकट्ठे, यानी कि खाते हैं इकट्ठे यानी कि पीते हैं। ये माशाल्लाह हमारे सारे यानी कि ना हैंड टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि सारे इकट्ठे फिर रहे होते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, ऐसे ही है ना तहा। ये देखें जी पीरू आज उनको ब्लैक बेरी को मार रहे हैं, और देखें जी ऊपर चढ़ गया, दोबारा उसको टोंग वगैरह मारेगा, नहीं करो तहा नहीं करो, देखो डर के कैसे इधर भाग रहे हैं। ठीक है इनको जो ये इन्होंने अंदर वालों का सारों का सुकून ख़त्म कर दिया, ये देखें जी मुझे लगता है इनको बाहर निकालना पड़ेगा। देखो वो बेचारा शरीफ परिंदा है, उसको बाहर निकाल दिया, आप उनकी जगह आप ये यहाँ पे आ गया,
असल में इसने कोई अंडा वगैरह देना है, इसलिए यानी कि ये परेशान है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो शाम में देखूँगा कहीं ना कहीं पर ये अंडा दे देंगे। जैसे ही कैमरा मैं निकालता हूँ ऐसे शोर शुरू हो जाता है, क्या बंदा है वीडियो बनाए क्या, यानी कितने शोर के अंदर ना कोई अल्फाज की समझ आते हैं ना क्या कहना चाहते हैं बंदा क्या नहीं। देखिए बस दोस्तों सारा दिन यहाँ पे यही शोर शराबा रहता है।